मैसेज आया हो, संदेश आया हो या इंस्टाग्राम पे डीएम आया हो, आया तो बुला भाई है। हाँ बात तो सही है। अरे क्या सही बात है इसमें, गाना तो हम सबको एक साथ ही है ना, ये मैसेज बोलेगी, हम सब संदेश बोलेंगे तो सुरनी बिगड़ जाएगा। रहो सुरसुरे, पहली लाइन मैं उठाऊंगी ठीक है, वहाँ के बाद तुम लोग सारे पीछे सुगाओगे, तो जो मैं गाऊँ वही गाओ। चलो अब दूसरा भजन गाना है, प्यारा सजाए तेरा द्वार भवानी। कटार ले फिर के, कतार कतार बोल, कटार। अरे कैसे भरे जागरण में बेइज्जती करवाएगा? अरे मैं तो कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा। मेरे भाई तेरे जैसा नेगेटिव इंसान तो मैंने कहीं देखा ही ना है कतई, मतलब माता रानी के काम में तो शुभ शुभ बोल ले। मेरी शुभ शुभ बोले से इसकी जुबान पे क्या असर पड़ेगा, ये तो कतार को कटार ही बोलेगा। अरे तो कोई दो तीन भजन थोड़ी है, और भी भजन है और गा ले रहे हैं ठीक है। चलो दूसरा गाना। अरे ना यार टेम हो रो हमारो, पापा रो खेत से रोटी बनाने घर जा गए, अब जा रहे हैं हम ठीक। ठीक है चलो राम राम, आ जाइए दोबारा, आ जाओ चलो आगे आगे आ जाओ। चलो बोलो साचे दरबार की जय। चलो यार भजन भजन तो सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना है, बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, सब बढ़िया हो जाएगा। क्या बढ़िया हो जाएगा सब, पैसे भी तो चाहिए। अरे यार छोटा सा जागरण ही तो करवाना है, कितने पैसे लग जाएंगे? हलवा पूरी भी तो बनवाना पड़ेगा, टेंट स्पीकर बाजे ये सब भी तो मंगवाना पड़ेगा, तब जाके कहीं पीछे वाले मोहल्ले की तरह हो पाएगा। भाई यूं तो थोड़ा मुश्किल है, चल कोई बात ना पैसे निकालो, देखे पहले कितने रुपया हो गए, निकाल ले मेरे पैसा। कैसे सिग्नल पे भीख मांग के इकट्ठे करे हैं? अरे मेरी मम्मी जब सामान मंगाती है ना उनमें से जो जो पैसे बच जाते हैं उन्हीं को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। कितने दिन से इकट्ठे कर रहा? एक डेढ़ महीने से। चल ठीक है गिन लूँ पहले। ये तो 75 रुपये ही है, और 75 रुपया में तू कह रहा पल्ले मोहल्ले जैसा जागरण कराने को है? तो 75 कम होते हैं क्या? सही बात है, तेरी 2 पैसे की सिकल तो ज्यादा ही है। दे ये रे, मेरे 101 रुपया। बस 101 रुपए? कम बोल, चल तू निकाल। अरे यार मेरे दोहरे 1 रुपया भी ना है। शर्म हैगी? हाँ। तो चुप दे नहीं चला जा। और हाँ अगर हलवा पूरी खाना आगा ना तो यही तेरी टांग न तोड़ दूंगी। और रुक, अबे इस पे पैसे नहीं तो क्या हो गया, आवाज तो है गाना गाने के लिए। बात तो सही कह रहा, चल ठीक है बैठा रहे, गाने के मारा रोक लिया, लेकिन ध्यान रखियो तू कोरस में गाएगा पीछे पीछे, पहली लाइन मैं उठाऊंगी। अरे यार अब नू बताओ ये 75 और 101 रुपया में कैसे होएगा जागरण, इतने में तो नॉर्मल कीर्तन भी ना हो पाने का। एक बात बोलूं, मेरे दौरे ने एक आइडिया है। तू तो अपनी थूत और बुद्धि दोनों बंद ही राख ठीक है, पैसा तो है ना तेरे पास, आइडिया तब होएगा। अरे नहीं सच में मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। बेटा अगर तेरा आइडिया बढ़िया ना हुआ ना। अरे ठीक है पहले सुन तो ले उसकी। बता। चंदा मांगते हैं। चंदा? ओहो चंदू के तेंत तगड़े जुगाड़ बिठा दिया। ओए पापा का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। पापा के नाम का अचार डालेगा, पापा का नाम लेने कोई तो होवे। माता रानी कृपा करती बढ़िया, आ जाओ जल्दी। चढ़ाऊंगी दाने अनार के मेरी मैया के नौ दिन नौ रात। अम्मा अरे काम निपट गया? हाँ बेटा निपट गया, सारा काम निपट गया। चलो फिर जल्दी बलखों का ट्यूशन शान का टाइम हो जाएगा। अरे मैं तो तेरा इंतजार देख रही, तू कहाँ रहेगी?
तो एक बार आवाज मार देती, मैं तुम्हारी इंतजार में बैठी थी कि अब आओगी। चल कोई बात ना, तू तो आ गई, चलो अब जल्दी चलो। हाँ चल रही हूँ, एक बार देख तो लू कहाँ सामान लेना, पता पड़ी आधा सामान भूल गई फिर बिजली को ढोना पड़ेगा। तो फिर एक लिस्ट बना लो ना। हाँ यू सही कह रही है तू, चल रुक जा कागज कलम ले आऊं एक बार। ले मिलगी, लाओ मैं लिखूं। अजी हाँ, तू काय को लिखेगी, मैं लिखूंगी। पांचवी पास तू तेज हूँ। तेज तो तुम हो, लिखो फिर जल्दी जल्दी, क्या लाना? एक दर्जन केला। नारियल? ये तो मुंह पर लिखना ही ना आ रहा। ले मैं तो सामान बता रही, तू लिख। मैंने तो पहले ही कही थी। हाँ चल अब लिख। तुम तो अभी केला भी ना लिख पाई। अब तेरा इतना मन हो रहा लिखने का तो मैं कैसे लिख देती। चलो बताओ जल्दी। माता रानी की मूर्ति, अगरबत्ती और रुई। देसी घी? तेरा देसी घी तो भतेरा है गांव पे, बाजार का घी भी कोई घी होवे। अरे तो भैंस है, पर जिनके भैंस ना है उन्हें तो बाहर से ही लेना पड़ेगा। तेरा तो कोई जरूरी है बाजार का घी खरीद के खाओ, पता न वहां में कहां मिला के दे मैं, या सु बढ़िया तो हमसे ही खरीद लो। ना ना दूध ले मैं उतना ही भतेरा, पता चले जितने का ढोलना उतने का मजीरा। ढोल मजीरा कहां करेगी? कुछ ना तुम आगे बताओ। ना अभी तेने कही जितने का ढोलना उतने का मजीरा, मत बोल। अम्मा मैं एक बात का चलन कह रही। बात के चलन कह के तू तो चुप हो जावे, यहाँ मैं सोचती रह जाऊं कि पता नहीं यू बात कहाँ सु आगी बीच में। अरे ठीक है अब जल्दी सामान बताओ। 2 किलो चीनी और 1 किलो खीर के चावल, साबुदाना, चौलाई के लड्डू और कूटू का आटा। पकौड़ी बना खाऊंगी, वो तो बड़ी बढ़िया लगे हैं पकौड़ी। व्रत का नमक? हाँ यू तो सबसे मेन चीज है। और कहाँ बच रहा? ऐसा करो अब सीधे चल रहे हैं, वहाँ बाजार में देख लेंगे, याद आता रहेगा सामान एक एक लेते रहेंगे। हाँ सही कह रही है, चल मैं थैला ले लूँ। चलो तुम ताला मारो, जब तक मैं थैला लेके आ रही थैला भूल गई। और देर मत कर दियो अम्मा, बालकों को ट्यूशन से लाने का टाइम हो रहा फिर। मैं कह रही है देर मत कर दियो, थैला खुद लाना भूल गई। आई बड़ी, थैला ले ली, चलो जल्दी जल्दी कॉल ले। अम्मा को 3 बजे की गई थी, 5 बजा दिए। ये लाइट जलती रहन दो, सांझ के टाइम लाइट जलती रहनी चाह। के करूँ, बालकों का भी ट्यूशन ते आने का टाइम हो रहा, इन्हें भी लाना पड़ेगा, लेट हो रही मैं तो। जोर से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये मंडली कहाँ से आ रही? चंदा मांग के। चंदा काहे को? माता रानी के जागरण कराने को। वाह पहली बार कुछ बढ़िया काम कर रही है। तुम भी अब एक बढ़िया काम कर दो, चंदा दे दो फटाफट। हाँ हाँ क्यों नहीं, जो भी है माता रानी का ही तो है वो। ले जय माता दी। 1 रुपया सिक्का थमा के जो कड़क नोट छुपा रही हो ना, वो भी माता रानी के ही है। अरे बेटा जो श्रद्धा से मिल जाए वो रख लेना चाहिए। तुम्हें ना लगता तुम्हें अपनी श्रद्धा की राशि बढ़ा देनी चाहिए? 1 रुपया में एक जन के बता से भी ना आने के, यहाँ हम जागरण और भंडारे की बात कर रहे हैं। अरे बेटा क्या बताऊँ, कड़की चल रही है बहुत कड़की। अभी अभी मेरे सामने कड़क कड़क नोट दबा के रखे हैं तुमने। अरे ये तो पूजा पत्री का सामान लाने को है। अरे तो कम से कम 1 रुपया में 2 जीरो तो लगा दो। बेटा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तू 1 रुपए के आगे खुद ही नेल पॉलिश से 2 जीरो लगा ले। ओ भाई क्या मस्त जोक मारा, आए आए हंसा हंसा हंसा। मैं 1 रुपया के आगे 2 जीरो मतलब 100 रुपया की बात कर रही, ठीक है? क्या 100 रुपए? हद है यार आजकल के लोगन की भी, सब माता रानी कही है, सब माता रानी कही है, कह कह के भी उनके ही कौम में कुछ देने का मन ना करता। कोई बात ना, सब माता रानी कही है, देख लो माता रानी मेरी कोई ऊना है, तुम्हारे ही भगत हैं सारे। जय माता दी, ध्यान रखियो। रुक। हाँ माता रानी कुछ कह रही हो? अरे मैं बुला रही हूँ। हाँ हाँ बताओ क्या कह रही हो? ये ले 50 रुपए, बाद में फिर दे दूंगी, अभी मैं बच्चों को ट्यूशन से लेने जा रही हूँ। कोई बात ना, पर तुम्हें माता रानी की कसम ध्यान से दे दी हूँ। जय माता दी।
अच्छा सुन, और किस किस से ले लिया चंदा? रामवीर ताऊ के हांसू लिए और अभी श्यामवती आंटी के हांसू। उन्होंने कितने कितने दे दिए? रामवीर ताऊ ने 1000 रुपया दिए, श्यामवती आंटी ने 5100 और यहाँ तक कि किराएदार ने भी 500-500 रुपया दिए हैं। कहीं लिख भी रही या कैसे ही चल रहा? ना अभी कॉपी में ना लिखा, सोची 4 घरन तू ले लेंगे तब जाके लिखेंगे, तो अब बस 4 घर हो गए हमारे पूरे, 4-5 घर, अब जाके लिख लेंगे कॉपी में। अच्छा चल ठीक है, शाम को तेरे अंकल आवेंगे और पैसों की बात करूंगी उनसे। देखा देखी लोगन की श्रद्धा बढ़ रही है, बढ़िया ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। भाई यार मजे आ गए, अब तो चंदा इकट्ठे होने का टाइम आ गया। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, हमने एक कॉपी बना लेते हैं और उसमें सभी गलत गलत नाम लिख लेते हैं, इसने इतने दिए, इसने 5100, इसने 5200, इसने 5300। बात तो सही कह रहा भाई, लोग देखा सेख ही अपनी श्रद्धा बढ़ाएंगे, ऐसे कोई ना करने का। आंटी को ना देखा था ना, जब मैंने बताई रामवीर ताऊ ने 1000 रुपया दिया और श्यामवती आंटी ने 5100, तब जाके उन्होंने कही चल ठीक है तेरे अंकल से बात करूंगी। चल अभी चलते ही कॉपी बना ले रहे हैं, नाम लिखेंगे कुछ भी गांव वाले के, अब कुछ भी बताएंगे किसी को। भाई चल बताओ, पहले तो यहाँ घर में कोई चीज ठिकाने धरी ना होती, अब जब एक थैला धरा मैंने ठिकाने सु तो वह चूहन ने काट डाला, तो बिजली भी पतन कहाँ रहेगी। बताऊ देखी कितना टाइम होन जा रहा, रात हो जाएगी तब आएगी बाजार चलने को, मौसू कह रही थैला लेने जा रही हूँ, पतन कहाँ चलेगी, थैला सिल के बनाने गई है कैसे। ऐसा कर रही हूँ मैं तो थोड़ी सी लेट जा रही हूँ, आएगी कुंडी बजा देगी, खोल दूंगी चली जाऊंगी, लेट जाऊं। अरे थक ली मैं तो भैया, ओहो इन टाउन में कोई दवा दे, राम जी मार दिया। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। हाँ क्या है? जय माता दी। जय माता दी, क्या मांगने आए हो? ना हम कुछ मांगने थोड़ी आए हैं, हम तो बस तुम्हें बताने आए हैं, पल्ले मोहल्ले में जागरण है ठीक है, तो भंडारा भी है, तुम्हें आना है। अच्छा जी कब है? कल शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। जरूर आएंगे। ठीक है तुम लाओ, नाम लिखवा दो। प्रेम प्रकाश। हाँ हाँ हाँ, कहाँ नाम धरा है प्रेम प्रकाश, तुम्हारे पिताजी ने धरा होगा है? ना दादाजी ने। ओहो दादाजी ने, वाह बहुत बढ़िया नाम धरा, तुम्हारे दादाजी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, उन्हें दीर्घायु मिले। अरे मर गए। कोई बात ना, माता रानी तुम्हारे दादाजी की आत्मा को शांति दे, लाओ तुम चंदा दे दो। अभी तो कह रहे हैं कुछ मांगोगे ना। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं हम कुछ मांगने थोड़ी आए हैं। फिर यू चंदा मांग रहे हो यू? अरे चंदा कोई मांगने वाली चीज थोड़ी है, चंदा तो इकट्ठा करा जावे। 5 रुपया? अरे इतनी बड़ी दुकान है तुम्हारी और 5 रुपया दे रहे हो बस हैं? इतनी बड़ी दुकान कोई लुटाने को थोड़ी है, सब माता रानी का ही तो है, उनसू बचा के कहां ले जाओगे, वे ही कमवारी हैं, कम से कम उनके काम में तो दे दो। अरे रोज की रोज कोई ना कोई आ जा मांगने, भैया मैं माफ करो। जागरण कौन से रोज रोज आवे, साल में 2 बार तो आवे बस। सामान इधर उधर सुन लो, चंदा मांगने आ जाओ, बहुत बढ़िया जी। अरे किसने कही हम इंगे उंगे से सामान लेवे, हम तो तुम्हारी दुकान से ही सामान लेवे, है कि ना है? है कि ना है बताओ? सारा राशन हमारा यही सुजावे, चूरन चटनी से लेके आटा दाल चावल तक सब यहीं से लेके जावे हम। हमें भैया माफ करो, जय माता दी। हेलो यार यहाँ का तो फोन आ गया, कहाँ करूँ कहाँ करूँ यासु। कहाँ भंडारो? अभी हो रहा? चल ठीक है मैं आ रहा हूँ। भैया कहाँ हो रहा है भंडारा? मंदिर वाली गली में। अच्छा ठीक है, माता रानी माफ कर दी, आज पहले भंडारा खा ले मैं। बेटा कहा बताऊं, तैने तो कतई हद कर दी, मैं इंतजार करती रही तू कद आएगी थैला लेने जाके बोल के, तू अब आई है रात के 8 बजे। अरे अम्मा वो छोटे वाले का ट्यूशन टाइम का टाइम हो गया था, उसे लेने चली गई थी और फिर उसे खाना वाला खुआ के आई, मैं कहा परेशान नहीं करेगा इस बारे लेट हो गई। ये चुन्नी बताइए कितने की है? कहा इतने पैसा में तो इतनी बड़ी चुन्नी आ जावे, बात कर रही है क्यों झूठ बोल रही है अम्मा?
तेरा बेटा मोल भाव ऐसे ही करना पड़े, नहीं ये लोग तो हमें लूट कर खा जाएंगे। चल आगे से देख। अरे कहा दिक्कत है, आगे इतनी दुकान है, देख या दुकान पर कोई ना, यहाँ ले ले रहे हैं। ए भैया नारियल दिखाइयो, नारियल ले ले पहले। या चुन्नी क्या रुपए की दी? या मैं पानी कम है बेटा, दूसरा दिखा। ए भैया 30 का लगा ले। अरे अम्मा महंगाई इतनी हो रही, ये छोटी वाली चुन्नी दे दे। कितने में? 40 में। तो दे इतनी बड़ी चुन्नी आ जावे, पीछे वाली दे रही। यू भी 30 में, तू तो भैया सब महंगा दे रहा। मेरी पिछली बेर की रखी है, मैं वही उड़ा दूंगी, कोई दिक्कत ना है। अम्मा पुरानी ना उड़ाया करते। ऐसा कुछ भी ना, नया पुराना कहा, भगत भी तो पुराना ही है बेटा। मैं तो कितने साल की पुरानी होली व्यासी की, तू ले ले जो लेना। मैंने तो भैया एक नारियल ही लिया, ठीक है यू सब यही का है। देखिए किराएदार ने कतई अपनी टोकरी भरे ले रही है, मोल भाव भी ना कर रही, और यहाँ मैं 2-2 रुपया पे लड़ रही हूँ यहाँ बालक पे। भाइयों सामान पैक कर दे मेरा। हाँ मेरा एक नारियल होगा और एक चुन्नी होगी, ठीक है 40 और 50 कितने हो गए? 90। हाँ 90 रुपया। मैं बस अपने ही दूंगी। कितने कितने होंगे भाई? ले 90 काट ले, 10 रुपया एक एक के दे दीजिए, ठीक है कल कन्यान को देने हैं एक एक करके। मेरा तो और सामान पिछली बेर का धरा है इतना सारा, ले मेरा भी डाल लिया अपने थैले में। तुम अपना झोला क्यों नहीं ले गए? अरे बेटा मेरा चूहन ने काट दिया। ले अच्छा, बतेरे थैला लेकिन बेड में धरे हैं। अरे मेरा तो पिछले साल का सामान धरा है इतना सारा, जौ सारी चीजें, मैं तो वही सुकाम चला लूंगी। ना चला तो बिजली को भेज दियो, बाजार पे ले आवेगी। अरे कहाँ बिजली है, भेज दूँ बेटा, बिजली तो सवेरे से दिखी नारी पता न कहाँ है। अरे मेरे घर आई थी चंदा इकट्ठा करने, कितना पुण्य का काम कर रही है, भंडारे के लिए चंदा इकट्ठा करती घूम रही, तुम यूँ कह रही है वो ऐसे। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा काम। मैं भी कह रहा हूँ जल्दी जल्दी खा लो, मम्मी बहुत मारेंगी, बहुत लेट हो गई। ठीक है भाई खा रहे हैं आराम से, 2 पूड़ी और ले ले। मैं तो कह रही हूँ भाई 2 पूड़ी और ले ले। यू नो स्वीटी, यू चंदा इकट्ठा करेगी, यू तो अपने पेट में हलवा पूरी इकट्ठा कर रही है। बढ़िया खाओ यार, आज तो आके मुंह पर चप्पल ही बजा दूंगी। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, बाकी कमेंट में जल्दी नहीं जल्दी जल्दी बाकी कमेंट में जल्दी से बताओ कि कौन कौन मेरी तरह अपना सारा काम धंधा छोड़ के भंडारे के नाम पे भगता चला जाता है। मतलब कौन कौन मेरी तरह भंडारे का शौकीन है यार, मतलब मैं तो पत्तल चाट जाऊं भंडारे की, इतनी ज्यादा शौकीन हूं। बाकी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को सबके गैल शेयर कर दो, कमेंट में जय माता दी लिख दो। फिर मिलेंगे जल्दी से नई वीडियो की गैल, ठीक है तब तक के लिए जय माता दी, राम राम, लव यू।